संत श्री आशाराम जी बापू के द्वारा जलाई गई मातृ पितृ पूजन दिवस की ज्योत से आज सारी दुनिया प्रकाश पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी यानी पेरेंट्स वर्शिप डे की। ये पर्व जो सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों, सोसाइटियों, गांव, शहरों में मनाया जाता रहा है, बड़े बड़े ग्राउंड्स में मेगा इवेंट के रूप में मनाया जाता रहा है, वही अब विवाह समारोहों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। और मनाए भी क्यों ना, इस पवित्र पर्व की बात ही कुछ निराली है। चलिए आपको ले चलते हैं इस साल की सबसे अनोखी शादी में, जहां विवाह के प्रसंग में मातृ पितृ पूजन दिवस की ये अनोखी झलक देखने को मिली। गांधीनगर गुजरात में हुए इस लग्न समारोह को जैसे बापूमय बना दिया मातृ पितृ पूजन दिवस ने। आज हम कुछ गुरुदेव के दिव्य ज्योतिमय स्वरूप के सानिध्य में अपने माता पिता का पूजन करेंगे, वंदन करेंगे। आज अपने दिल में एक बात ठान लेना, बोले क्या, माँ बाप का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे। आज के युवा नस्ल में कहना चाहूंगा, माँ बाप का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। तो आज का जो कार्यक्रम है सचमुच आपके दिल को छू लेगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्यों माँ की पूजा? जिस माँ ने 9-9 महीनों तक हमें कोख में रखा और आज इस काबिल बनाया जो हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, उसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को। मानते हो उस बात को? जिस माँ ने, जिस पिता ने हमारी उन्नति के लिए, हमारे सफल जीवन के लिए अपना सारा जीवन खर्च कर दिया हो, क्या उस माता पिता के लिए हमें एक दिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो आज हम अपने माँ बाप की पूजा करेंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बापू जी ने हमारे सनातन संस्कृति को, हमारी जो विरासत है पुनः उन्हें जीवन जीवंत करते हुए बापू जी ने दिव्य अवसर मिला दिया है हमें। आइए सभी मिलकर मनाते हैं मातृ पितृ पूजन दिवस। बोलो सदगुरु भगवान की। Mom.
गांधीनगर गुजरात में हुए इस विवाह समारोह को जैसे बापूमय बना दिया मातृ पितृ पूजन दिवस ने। भीगी हुई आंखें, वात्सल्य से छलकते हुए माता पिता के दिल धन्यवाद दे रहे हैं अपने गुरुदेव को, जिन्होंने संतानों को उनके करीब ला दिया। संतानों के दिलो दिमाग भी अपने जन्मदाता के प्रति अहोभाव से भर गए और छलक कर आंखों से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। शत शत नमन है पूज्य बापू जी को, जिन्होंने समाज को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे मंगलकारी पर्व की शुरुआत की। आज यहाँ पे मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया गया, बहुत ही अच्छा था। हम लोग दिन भर बच्चों के साथ रहते तो हैं, वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं, पर इस तरह भावपूर्ण से उनसे जुड़ना, इस तरह से बैठ के उनको देखना और उनका हमको देखना बहुत ही कम होता है। हमारे साइड में ना मातृ पितृ का बारे में बच्चों को ज्यादा मालूम नहीं। मम्मी पापा को सुबह उठेगी तो हाय गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, ऐसा बोलता, लेकिन मम्मी पापा को पांव चू के कभी आशीर्वाद नहीं लेता, ऐसा संस्कार कम है। इधर आके देख के हमको बहुत खुश हुआ। मुझे आज माँ की पूजा करके बहुत अनुभूति अच्छी हुई है, बहुत बहुत शांति मिला है मन में। इधर आके पहली बार ये पूजा में मैंने पार्ट लिया है और अच्छा लगा ये पूजा में पार्ट लेके। हमने माँ बाप खोए हैं तो हमको पता है कि माँ बाप की अहमियत क्या है। मैं हर एक बच्चे को वही कहना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने गुरु जी के प्रेरणा से ये मातृ पितृ पूजन का आयोजन आज मेरी बहन की शादी के निमित्त करवाया।